अटलांटा पॉइंट स्थित पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस उप महानिरीक्षक कानून तथा व्यवस्था वर्षा शर्मा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून के लागू होने और इसकी तैयारी के बारे में मीडियाकर्मी को जानकारी दी गई। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे, तो इसके बारे में आपके माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के लोगों को बताना चाह रही हूँ कि क्या नए कानून हैं और इसकी तैयारियां हम लोगों ने कैसे की हैं। 1 जुलाई के बाद से जो इंडियन पीनल कोड था वो भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा। तो ये नाम के साथ साथ नाम चेंज होंगे, और इसके साथ जो इसके अंदर भी कई मूलभूत चेंजेस किए गए हैं। उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि जब नए कानून आए हैं तो इसकी तैयारियाँ भी हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें DG साहब और सारे ही जितने हेड्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स हो, IT डिपार्टमेंट हो, सभी को इसमें मेंबर्स बनाया गया है। और पिछले कुछ दिनों से इसकी हर हफ्ता ही मॉनिटरिंग और मीटिंग्स हो रही हैं, जिससे कि हम लोग 1 जुलाई को इन तीनों कानूनों को सफलतापूर्वक इसका सुचारू रूप से काम कर सकें। इसमें 5 पिलर्स हैं, जिसमें कि पुलिस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिलर है, कोर्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, फॉरेंसिक इम्पॉर्टेंट पिलर है, प्रोसिक्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, साथ में प्रिजंस। ये 5ों पिलर्स के लिए कुछ चेंजेस हैं जिसमें तैयारी करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने कर ली है और हम लोग तैयार हैं। इन लॉज में जो सिटीजन्स के बारे में कुछ बहुत ही अच्छे नए बदलाव किए गए हैं, उसमें सबसे पहला तो यही है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन देनी है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो किसी भी थाने में जाके बता सकता है कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, चाहे वो मेनलैंड में हुई हो, वो यहाँ पर भी आके बता सकता है और अपनी FIR दर्ज करा सकता है। फिर उसके बाद वो कंसर्न्ड SHO की जिम्मेदारी है कि वो उसको 0 FIR करके कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजिए और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो। इसके साथ ही इसमें ये प्रावधान भी है कि अगर आप फिजिकली थाने नहीं जा सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के तहत भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन थाने में दे सकते हैं, बशर्ते कि 3 दिन के अंदर आपको उस इन्फॉर्मेशन को साइन करना होगा, और कंसर्न्ड SHO जो है थाने का, वो इस पर कार्रवाई करेगा और केस रजिस्टर जैसा भी लगता है वो करेगा उसमें। इसके अलावा कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि, जैसे अगर हम बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की, तो उन सबको एक चैप्टर में करके एक साथ किया गया है। और अगर हम देखते हैं कि इन सेक्शंस में चाइल्ड की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये 18 साल का से नीचे की उम्र का बच्चा चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि EFIR हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो जाएगी, जो FIR की प्रति है कॉपी वो निशुल्क दी जाएगी कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट को, वो अब पुलिस को देना ही है। साथ साथ मॉब लिंचिंग और टेररिस्ट एक्ट, इसके भी नए सेक्शंस को ऐड किया गया है इन एक्ट्स में। जहाँ तक बात है अरेस्ट की, तो नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 एंड अबव 60 ईयर्स, जो कि पहले 65 था, और अ वुमेन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद अक्यूट इलनेस, उसको अगर हम अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सीनियर ऑफिसर से। बिना परमिशन के अरेस्ट नहीं होगा। अगर वो खुद ही विलिंग है तब, मतलब इंटरोगेशन के लिए अगर हमें बुलाना है तब भी डिप्टी SP की परमिशन के बिना हम बुला भी नहीं सकते हैं उसको। अगर विलिंग है तब आ सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं बुला सकते हैं इस कैटेगरी के लोगों को।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि वुमेन एंड चाइल्ड सेंट्रिक हैं। इसमें पहली बार आप ये देखेंगे कि कम्युनिटी सर्विस की बात भी की गई है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं पेटी ऑफेंसेस के, उनको जो सज़ा है वो कम्युनिटी सर्विस की दी जाएगी, जिससे कि ये ना हो कि अगर छोटा कोई अपराध हो गया तो उसको हम और हार्श पनिशमेंट, एक सुधार वाली बात भी इसमें रखी गई है जो कि यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है जिसमें है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। कई बार हम लोग को ऐसा देखने में आता है कि विद द प्रॉमिस ऑफ मैरिज और वो फिर इंटेंशन फुलफिल नहीं होती है, तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है जो कि 10 साल तक का है। तो ये एक अच्छा एक क्लॉज है जो कि अगर कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशंस फेस करते थे लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इसमें ये कि क्लॉज ऐड किया हुआ है। और ये सब मेरा आपको बताने का मुख्य कारण ये है कि जो हम लोगों ने अंडमान पुलिस ने इस पे काम किया है, हम लोगों ने इस सेक्शंस को, इन एक्ट्स को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली हुई है। एक जो SP साउथ अंडमान है, इन्होंने एक चैटबॉट बनाया हुआ है जो कि हमारी वेबसाइट पे है, उसमें इस लॉ से संबंधित कोई भी सवाल है अगर आप डालेंगे तो उसका आपको जवाब आएगा। मतलब ये आप लोगों के माध्यम से हर रिमोटेस्ट आइलैंड तरासा कचाल सबको पता होना चाहिए कि ये एक लॉ आ रहे हैं जिसमें आपको ये प्रोविजंस है, और इसको देखने के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर किताबें नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी हायरिंग एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, उस पर भी एक नया ऑफेंस आया है कि बच्चों का जो यूज़ किया जाता है ऑफेंसेस के लिए, उसके लिए भी सख्त कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। तो ऐसे अगर आप लोग देखेंगे इन एक्ट्स को तो इसमें महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध है उसको टैकल किया गया है उन सेक्शंस को जो कि पहले नहीं थे। साथ ही साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है उसको और भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और ऐसा बनाया गया है जिसमें कि अगर कोई भी सीज़र होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई भी मौके पे जाके कोई कुछ सीज करता है तो उसमें उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, विटनेस का साइन जाके लेना है। तो कई बार पुलिस के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि गलत हो गया या किसी का नाम आ गया, तो आपका रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, विटनेसेस के सिग्नेचर हो रहा है, ऑन कैमरा हो रहा है, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसके के लिए अंडमान निकोबार पुलिस तैयार है। हम लोगों ने अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स जो फील्ड फंक्शनरीज हैं पुलिस स्टेशन में तैनात, हमारे सिपाही, हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर्स, IOs, सबकी ट्रेनिंग कराई गई है, और जिसमें कि कुछ मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए हैं जो कि CGTI कोलकाता से इनका 10 दिन का एक कोर्स हुआ। करीब 76 हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं। इन मास्टर ट्रेनर्स को क्योंकि इन्होंने अच्छा कंप्लीट कोर्स किया है, इनको हर थाने में 2-2 मास्टर ट्रेनर्स डिप्यूट किए गए हैं जो कि देखेंगे कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं इन्वेस्टिगेशन में या इन लॉज के तहत करने में उसका वो मदद कराएं। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है जिसमें किसी को भी, चाहे वो जनता है चाहे पुलिस, कोई भी उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके इन लॉज के बारे में कोई भी अपनी समस्या या क्वेरी है उसका समाधान कर सकता है। इसके साथ ही CSR ने काफ़ी मीटिंग्स के तहत ये हम लोगों ने देखा है कि प्रिजन जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर है, और प्रोसिक्यूशन, ये भी CCTNS जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है प्रिजन के साथ। प्रिजन में भी जो कार्रवाई होगी वो भी E-Prison के तहत होगी, और प्रोसिक्यूशन भी E-Prosecution हो गया है। इसके तहत जो भी तैयारियां थी, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे कंप्यूटर्स है, चाहे पेन ड्राइव्स है, उनको मुहैया कराया गया है। अभी हमारा जो कोर्स के साथ इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जिससे कि हमारी FIRs माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के तहत कोर्स तक जाएं और वहां पे उनका स्पीडी ट्रायल हो जाए। तो सभी 5 पिलर्स पे अंडमान में बहुत ही सीरियसली काम हुआ है, और हम लोग बहुत अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर 1 जुलाई
लेकिन इसमें मीडिया आपका सहयोग हमें चाहिए होगा, क्योंकि आपकी द्वारा ही हम लोग लोगों तक पहुंच के इसका इंफॉर्मेशन वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट हर थाने ने अपने पंचायत में जाके पीआरआई मेंबर्स के साथ जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सेस सबकी ट्रेनिंग भी कराई है, और बार बार क्योंकि एक नई चीज़ है वो बार 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 बतानी है। कई पैम्फलेट्स बनवाए, आपने देखा होगा 26 जनवरी पे हम लोग का एक टैबलो भी इसका बना था जिसको जो फर्स्ट आया था। कई पैम्फलेट्स हैं जो कि हर लैंग्वेज में बनाए गए हैं, तेलुगु में भी है, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो अब क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, आज अब मुश्किल से हमारे पास एक हफ्ता है, तो हर दिन हमारा पुलिस स्टेशन के लोग कॉलेजेस में जाके स्कूल्स में पंचायत में पीआरआई मेंबर्स के साथ जाके एक मुहिम के तौर पे ये अभियान करेंगे, जिसे 1 जुलाई तक और सबको रट जाए कि अब ये क्या नया कानून है, इसमें क्या प्रावधान है और आपको क्या सुविधाएं दी गई हैं इस नए कानूनों में। तो इसमें आपका बहुत रोल होगा। हम लोगों ने अपने ही पुलिस ऑफिसर्स की कार्य क्षमता को टेस्ट करने के लिए टेस्ट भी कर रहे हैं कि पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए अगर ये सिचुएशन होगी तो आप इसमें कौन सा सेक्शन लगाएंगे, या अगर मॉक वीडियोस बना रहे हैं कि अगर चोरी होती है या कोई जहाँ जहाँ पे आपको सीजर करना है तो कैसे जाके आप वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स इनकी चल रही हैं, कई सारे ऐप आए हैं जैसे ई साक्ष ऐप अभी आ रहा है, वो टेस्टिंग स्टेज में है जिसमें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है और कैसे वो लिंक होकर कोर्ट तक पहुंचेगी। तो ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं, लेकिन इसमें बिना जनता के सहयोग के और बिना जनता की जागरूकता के ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम आपको इन कानूनों के बारे में जो इनके मेजर प्रावधान है उनके बारे में आपको प्रेस रिलीज के द्वारा जानकारी देंगे। हमारी वेबसाइट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। इसके साथ ही जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसको भी अभी आपको बता देती हूँ, वो नंबर जो है उसकी पब्लिसिटी करें कि जिससे कि लोगों को कोई समस्या है कोई क्वेरी है तो वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।